वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत वूलन ब्लाउज का कढ़ाई वाला डिज़ाइन लेकर आई। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, फिर उसके बाद मैं ये ओपन करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, प्लीज़ आप लाइक कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप लोग को दिखा रही हूँ ये इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसे नेक लाइन पे, स्वेटर पे भी डाल सकते हैं। आप अगर कार्डिगन, गोल्ड पैच का कार्डिगन बना रहे हैं, बैक साइड भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइंस बनी हुई है, बहुत ही ईजी है। मैंने यहाँ पर वाइट कलर के मोती लगाए हुए हैं। मोती आपको ऑप्शनल है, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने यहाँ पर बॉर्डर पर भी मोती यूज़ किया है, तो ये काफ़ी सिंपल सा लग रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना एकदम अलग सा लुक मैं बताऊं, और एकदम अलग से हट के ये वूलन ब्लाउज लगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जितने भी मैं वूलन ब्लाउज डालती हूँ, मैं सोचती हूँ आप लोग को बहुत ही पसंद आए, और कोशिश यही रहती है कि आप लोग उसे पसंद करें और बनाएं, ज़रूर बनाएं, और जहाँ ना समझ में आए ज़रूर पूछें। क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो बनाती हूँ वूलन ब्लाउज का या किसी भी पैटर्न का, क्योंकि मेरे बनाने का ये मकसद होता है जब तक आप लोग को समझ में ना आए, आप बना ना पाए, तो कोई मेरे डालने का वीडियो फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने इसको 2-3 पार्ट में डाला हुआ है, उसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी एम्ब्रॉयडरी हमने आधा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो ये बहुत ईजी है। पहले आपने यहाँ से मार्कर से ये गोल कटिंग की, देखिए गोल शेप की हमने ये मार्कर से राउंड कर लिया है। उसके बाद हमने ये एक, मतलब एक लाइन मैंने ये कंप्लीट कर ली है। अब इसमें कली हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए वो शुरू करते हैं। हम इसको इसमें कली कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक तो हमने बना दिया है, ये देखिए आपने केयरफुली देखना है। फिर हम यहीं से सुई को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे ले जाएंगे। फिर ऊन को इसके नीचे ऐसे सुई के नीचे करके, फिर हम देखिए ऐसे को निकाल देंगे। फिर हम ये देखिए, ये वाला ऊन इसी के ऊपर है, तो यहाँ से हम सुई को ऐसे की करेंगे और यहाँ पे ले जाएंगे। देखिए बहुत इजी ये कढ़ाई है। देखिए आप चाहें तो कलरफुल भी कर सकते हैं, ये देखिए। फिर हम यहीं से सुई, जहाँ से हमने ऊन को निकाला है वहीं से सुई ले जाएंगे, और ये अपने हिसाब से आपने इसकी लंबाई देनी है, ना ज़्यादा छोटा हो और ना ही ज़्यादा बड़ा हो, और ना ही आपने इसको टाइट खींचना है। ये देखिए फिर हम इसको ऐसे ले जाएंगे। ये देखिए कितनी इजी एम्ब्रॉयडरी है ये। फिर हम सुई को यहीं से इंसर्ट करके निकालेंगे, और हमने यहीं पे निकालना है जहाँ पे इसका, देखिए ये वाला कोना है, थोड़ा राउंड शेप का है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए, फिर हम यहीं से जहाँ से हमने इंसर्ट किया है वहीं से निकालेंगे। देखिए ऊन को ऐसे करेंगे, सुई के नीचे हमारा ये ऊन का पार्ट रहेगा, आपने केयर करना है टाइट। ये कढ़ाई हमारी टाइट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पहनने पे ये रिंकल्स आ जाएंगे। फिर देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे, देखिए फिर इसको हम यहाँ से ऐसे इंसर्ट करके, ये देखिए हमारा ऐसे ही बनते हुए जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमने यहाँ पे पूरी कढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे वाइट वाला मोती लगाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी लगाया है। ये काफ़ी सिंपल हो गया था फ्रेंड्स, इसलिए इसको हम थोड़ा यूनिक से बनाने के लिए, और यहाँ पे हम मोती की एम्ब्रॉयडरी करेंगे। देखिए कितनी ईजी है और कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास मोती ना हो तो आप ना लगाइए, वैसे भी रख सकते हैं, वैसे भी बहुत सिंपल शॉर्ट सा अच्छा लगेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर ब्लैक कलर का ही ऊन लेना है, और पीछे की साइड से मैंने धागे लिए हैं, तो हम ऊन को कट नहीं कर रहे हैं।
देखिए यहीं से हम रिपीट करते हुए, और देखिए मोती हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं फ्रेंड्स, इस कॉर्नर में जहाँ से हमने ये निकाले हुए हैं, इसको हम साइड में रखते हैं। आपके पास मोती ना हो तो आप स्टोन भी लगा सकते हैं, या तो पुरानी मोती अगर पड़ी हो वो भी आप यूज कर सकते हैं। कहाँ से ये, देखिए फ्रेंड्स अब हमने फिर यहाँ से एक मोती लेना है, सुई में इसको इंसर्ट करना है, देन हमने देखिए इसको यहाँ पे ले जाके आपने ये देखिए लूज करते हुए ऐसे करते हुए लगाना है, नहीं तो हमारा ये डिज़ाइन टाइट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे, जहाँ से हमने पंखुड़ी निकाली है इसकी कली जैसे कलियाँ जैसे बनी है, देखिए फिर हम यहाँ पे मोती लगाएंगे। ये देखिए वाइट कलर की हमने मोती जो हमने यहाँ पे यूज किया है, ये मार्केट में भी आप लोग को इजीली मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है या नहीं है आपके पास तो आप रहने दें, सिंपल सा ही ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी कर लें। तो देखिए हमारी ये मोती लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब पीछे से हम देखिए एक बार आप लोगों को पूरा दिखा दूँ, ये पूरा बनने पे और मेन चीज़ फ्रेंड्स ये पहनने पे बहुत ही प्यारा लगेगा। आप एक साइड बनाया चाहे तो आप इसको पीछे की साइड पहने या आगे की साइड, आगे की साइड पहनने से ये होता है फ्रेंड्स कि साड़ी से हमारा ये साड़ी के पल्लों से पूरा ढक जाता है, तो अगर ये बैक साइड हमारा रहेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए कितनी प्यारी ये डिज़ाइन है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सी, और इसमें ज़्यादा देखिए ऊन भी नहीं लगा है, ना ही कोई ज़्यादा जैसे हार्ड डिज़ाइन भी नहीं डाली हुई है मैंने, ये अपना एक अलग तरीके से आप बना सकते हैं। बैक एक साइड मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, आप चाहें तो दोनों साइड एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ऐसे मतलब स्वेटर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने वूलन ब्लाउज ही बनाना है, आप स्वेटर भी बना सकते हो ऐसे, या आप स्टॉल वगैरह किसी भी चीज़ में आप इसको डाल के ऐसे एम्ब्रॉयडरी करके बना सकते हैं। ये देखिए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आप लोग कमेंट करते मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।